ये कान्हा जी का कमरा है। अच्छा अच्छा, इसमें कान्हा जी रहा करते थे। इसमें कान्हा जी रहा करते थे। ये कृष्ण काल वंश से चली आ रही है हमारे। अच्छा, ये लाल वाली का? लाल वाला, ये ठाकुर जी की गऊ है। दोस्तों, ये ठाकुर जी के समय काल की गऊ है, ठाकुर जी की गाय है, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, श्यामा गाय। गोपियों के घर में जाते थे, माखन की चोरी करते थे। जी जी, यशोदा वहां समझाती थी, अभी मैंने जो आपको दर्शन कराया। जी जी, लेकिन कान्हा जी ने नहीं मानते थे, तो इस कोठरी में ला करके बंद कर दे। अच्छा, जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं डर रही हूँ, क्योंकि मेरा कन्हैया तो बहुत छोटा है, डर जाएगा, मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। हट पे अड़ गए भोले बाबा, ईट पे अड़ गए कि बाबा मैं तो मैया दर्शन करके ही जाऊंगा। यशोदा मैया, सोना ले ले, चांदी ले ले, अन्न ले ले, दाल चावल ले ले, जो कुछ चाहिए वो ले जा, पर कान्हा के दर्शन के लिए मुझको मत बोल। तो यशोदा मैया ने जब दर्शन नहीं कराया तो भोले बाबा जंगल में बैठ गए आसन लगाकर। ठाकुर जी की रसोई है। अच्छा अच्छा, अंदर में जो मटके हैं प्राचीनता के हैं, ठाकुर जी के सब। जी 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 सर, ये रसोई है। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री नंदगांव धाम में हूँ, और इस वीडियो में आज मैं आपको नंदगांव के भगवान श्री कृष्ण के उस प्राचीन घर के दर्शन कराऊंगा दोस्तों, जहाँ पर वह नंद बाबा, यशोदा मैया और अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ रहा करते थे दोस्तों। और ये जो गलियाँ हैं दोस्तों, ये वही नंदगांव की प्राचीन गलियाँ हैं, जहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेला करते थे दोस्तों, दूध दही घी माखन चुराया करते थे इन्हीं गलियों में, इन्हीं प्राचीन गलियों में घूम घूम करके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको उस घर के दर्शन कराने वाला हूं, नंदगांव के उस घर के दर्शन कराऊंगा, जहां पर जब नंद बाबा यशोदा मैया ने नंदगांव में आए, तो सबसे पहले जिस घर में उन्होंने कदम रखा, सबसे पहले जिस घर में उन्होंने रहना शुरू किया, उस घर के दर्शन कराऊंगा, उसे प्राचीन नंद यशोदा महल के नाम से भी जाना जाता है, और उसे काला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसे प्राचीन नंद भवन के नाम से भी जाना जाता है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं चलूँगा वहाँ पर, तो आपको यशोदा मैया के 5,500 वर्ष प्राचीन रसोई घर के दर्शन कराऊँगा, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के उस कोठरी के भी, कमरे के भी दर्शन कराऊँगा, जहाँ पर वो रहा करते थे। इसके अलावा उस काल कोठरी के भी दर्शन कराऊँगा, जहाँ पर जब यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आ जाया करती थी, तो उनको डराने के लिए उसमें बंद कर दिया करती थी। ये सारे दिव्य दर्शन कराऊंगा मैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों, इन गलियों में आज भी वही प्राचीनता की खुशबू, द्वापर युग की खुशबू आती है। इन गलियों से आज भी दूध दही माखन की खुशबू आती है दोस्तों। ये वही प्राचीन गलियां हैं भगवान श्री कृष्ण के समय काल की, द्वापर युग की, नंदगांव की, जहां पर वह अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ दौड़ा करते थे, खेला करते थे, और गोपियों की दूध दही घी माखन चुरा चुरा करके अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खाया करते थे दोस्तों। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नंदगांव के उस प्राचीन घर के पास, जहां पर यशोदा मैया के प्राचीन रसोई के दर्शन होते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर उस काल कोठरी के दर्शन होते हैं, जहां पर यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को डराने के लिए बंद किया कर देती थी। और यहां पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के समय काल की श्यामा गौ की वंशज के भी दर्शन होते हैं। यही वो प्राचीन घर है, यही वो प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर सबसे पहले नंद बाबा यशोदा मैया
अपने दोनों बच्चों के साथ रहना शुरू किया था दोस्तों। सबसे पहला घर नंद बाबा यशोदा मैया का नंद गांव में यही है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम यहां का संपूर्ण दर्शन पंडित जी के माध्यम से करने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, नंद बाबा की जय। आज आप आए हैं श्री धाम नंद गांव, यहाँ नंद बाबा का घर है। नंद बाबा यहाँ भगवान कृष्ण को गोकुल गांव से लेके आए थे, इसी पर्वत पे नंदगांव बसाया। ये तीन पर्वत हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का पर्वत बरसाना है जहां राधा जी का गांव है, विष्णु भगवान का पर्वत गिरिराज जी गोवर्धन है, और नंदगांव में आप लोग जो यहां आज आए हैं ये कान्हा जी का घर है। यहां कान्हा जी 11 साल 52 दिन रहे थे, क्योंकि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ ये तो कंपल्सरी सब लोग जानते हैं। रातों रात वसुदेव जी इनको गोकुल में ले गए, वहां पूतना सक्कासुर परेशान करने लगे, नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़ दिया, अपने नाम से ये गांव बसाया नंद गांव। अब आपको दर्शन कराऊंगा, यहां ठाकुर जी के परिवार के विग्रहों का दर्शन करो। बोलिए नंद बाबा की जय। ये बड़े पगड़ी वाले नंद बाबा हैं भगवान कृष्ण के पिता, जिनके नाम से ये नंद गांव प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी वाली है माता यशोदा, बीच में बंसी बजा रहे दोनों भाई हैं कृष्ण और बलराम। मैया की तरफ कृष्ण है, बाबा की तरफ में बलराम है, कोने में लास्ट में राधा रानी है। भारत वर्ष में मंदिरों में दर्शन किया होगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण की जोड़ी में किया होगा, लेकिन संसार में केवल एक नंदगांव ऐसी जगह है यहाँ राधा रानी ससुराल भाव से। उनके नीचे छोटी छोटी दो प्रतिमाएं रोहिणी जी और रेवती जी। इधर कोने में भगवान के दो सखा हैं गाय चराने वाले, एक का नाम है धन सुखा दूसरे का नाम है मन सुखा। जो धन सुखा है वो भक्तों को धन का सुख देते हैं, और मन सुखा है वो आने वाले भक्तों को मन का सुख देते हैं। पूरे परिवार का दर्शन है। विशेषता है यहाँ की दोनों भाई काले हैं, दोनों भाई बंसी बजा रहे हैं, जबकि बलराम जी ना तो काले हैं और ना ही बंसी बजाते। इसके दो कारण है, पहला कारण नंद बाबा गोकुल को छोड़ के आए थे कंस की डर की वजह से। बड़े भाई का कर्तव्य होता है छोटे भाई की रक्षा करना, बलराम ने भी कृष्ण रूप धारण कर लिया, कंस के दूत कृष्ण समझकर हमसे लड़ेंगे मेरे छोटे भाई से नहीं लड़ेंगे। दूसरा कारण दोनों भाइयों में झगड़ा होता था, मैया मोय दाऊ बहुत खिजायो, हमारे यहाँ खिजाना बोलते चिढ़ाने को, मैया मोय दाऊ बहुत खिजायो, मोसे कहते मोल को लीनो तू जसमत कब जायो, गोरी नंद जसोदा गोरी तू कितारो। यशोदा मैया ने दोनों भाइयों को एक ही भाव से मनाए, दोनों भाई श्याम वरण में, दोनों भाई मोर मुकुट पहने हुए हैं, दोनों भाई यहाँ बंसी बजा। बोलो नंद बाबा की जय हो। अब आपको ठाकुर जी का दर्शन कराता हूं, भोले बाबा का। ये नंदीश्वर महादेव है, ये वो शिव जी है जो कान्हा का दर्शन करने आई थी। यशोदा मैया ने इनको दर्शन नहीं कराया कि बाबा आपके ऊपर में सांप बिच्छू कातर लटकते हैं, मेरा छोटा सा कन्हैया है डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगा। इन्होंने जंगल में जाकर के योगासन नमा लिया, जो अभी यहाँ से आपको लीलाओं का दर्शन कराऊंगा, जो 84 कोस की हमारे यहाँ पैदल परिक्रमाएं आती हैं, वो सब जगह घूमती हैं, वो दर्शन आपको यहाँ से कराता हूँ। इनके 5 नाम हैं, वृंदावन में इनका नाम है गोपेश्वर महादेव, मथुरा में इनका नाम है भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन में इनका नाम है चकेश्वर महादेव, और कामबन में इनका नाम है कामेश्वर महादेव, नंदगांव में इनका नाम है नंदीश्वर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब आपको दिखाता हूं यहां यशोदा मैया ने कन्हैया जी को डराया था हाउ बिलाऊ, क्योंकि हमारे कन्हैया संसार की किसी चीज से नहीं डरते थे, केवल हाउ से डरते थे, और हाउ कौन है, हाउ कोई जानवर नहीं है। यशोदा मैया के बोले हुए शब्द है, कंस के दो राक्षस थे उनका नाम था हाउ बिलाऊ, जो कान्हा जी को डराने आए थे, वो अभी आपको दर्शन कराता हूं, इधर आइए। ये हाउ बिलाऊ है,
जो कान्हा जी के डराने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पत्थर क्यों हो गए? पत्थर क्यों हुए? इस पहाड़ी पे सैंडल्य ऋषि का श्राप लगा था, कोई भी राक्षस दूत आएगा पत्थर हो जाएगा, ये कंस के भेजे राक्षस थे जो पत्थर क्यों हुए। आइए आपको थोड़ा आगे दिखाता हूँ, अब आशीष्वर महादेव की लीलाओं का दर्शन दिखाता हूँ। पंडित जी, भगवान भोलेनाथ का रूप बड़ा डरावना था। हाँ, भोले बाबा का रूप बड़ा डरावना था, तो यशोदा मैया उनको दर्शन नहीं कराती थी। बाबा आपके रूप को देख करके मेरा कन्हैया डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं डर रही हूँ, मेरा कन्हैया तो बहुत छोटा है, डर जाएगा, मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। हट पे अड़ गए भोले बाबा। तीन हट होती है, योगी हट, बाल हट और त्रिया हट। समझ गए? योगी जी हट पे अड़ गए कि बाबा मैं तो मैया दर्शन करके ही जाऊंगा। यशोदा मैया, सोना ले ले, चांदी ले ले, अन्न ले ले, दाल चावल ले ले, जो कुछ चाहिए वो ले जा, पर कान्हा के दर्शन के लिए मुझको मत बोल। तो यशोदा मैया ने जब दर्शन नहीं कराया तो भोले बाबा जंगल में बैठ गए आसन लगा करके। स्थान यहाँ से कितना दूर होगा पंडित जी? कौन जहाँ पे वो आसन लगा के बैठे? 1.5 किलोमीटर। अच्छा, 1.5 किलोमीटर। हाँ, अभी आओ देख लो। दोस्तों जब यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराए भगवान भोलेनाथ को, तो भगवान भोलेनाथ यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, वो सामने वो देखिए जो जंगल में दो मंदिर दिख रहे हैं, जी जी, वो आशीष्वर महादेव हैं। वहाँ आशा लगा करके बैठ गए थे कि मैया तू मुझे दर्शन नहीं कराएगी तो मैं जंगल में बैठ जाऊंगा, लेकिन भगवान कृष्ण वहाँ यहाँ पर रोने लग गए। अच्छा अच्छा। तो यशोदा बोली मैया के एक बाबा जी आयो मेरे लाला पे कोई जादू करे। अच्छा, जब से मेरा बेटा रो रहा है। शिव जी को वहां बुलाने गई थी सखी। अच्छा। चल रहे योगी नंद भवन में यशमत माए बुलावे, वाके लाला को नजर लगी राइनो। शिव जी आए, कन्हैया जी को हंसाने लगे, कन्हैया हंसने लगे, तो इनको यही विराजमान रखा है जो मैंने आपको नंदीश्वर महादेव का दर्शन कराया था। भगवान श्री कृष्ण शिव जी से मिलने के लिए रोने लगे, रोने लगे दर्शन के लिए, रोने लगे क्योंकि वो कृष्ण के आराध्य थे। कृष्ण जी, मेरे प्राण नाथ का मुझको दर्शन नहीं हुआ, मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मेरा आना बेकार बेकार। तो शिव जी को यही दर्शन कर आया था। इनका नाम है आशीष्वर महादेव। जी जी। ये गुलाबी कलर का एक मंदिर दिख रहा है, जी जी, लास्ट में झाड़ियों में, ये वाला नहीं, लास्ट में वो। अच्छा, वहाँ पे दूर है, वहाँ पे, जी जी, वो मोती कुंड है। अच्छा अच्छा। राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई थी? जी, राधा कृष्ण की प्रेम सगाई हुई। अच्छा अच्छा। बरसाना से दो मोतियों के हार आए थे, जी जी, कान्हा जी वो हार चुरा करके ले गए, वहाँ तोड़ के वो दिए, वहाँ मोती के पेड़ लगाए थे। जी जी। होनी को अनहोनी किया क्योंकि मोती समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन भगवान ने यहाँ पेड़ों के ऊपर में मोती लगाए और यहाँ से गाढ़ा की गाढ़ा भर के बरसाना के लिए मोती भेजे। बोलो मोती कुंड धाम की जय हो। अब आपको और दर्शन दिखाता हूँ, परिक्रमा। बाबा ये जो घर है, ये ठाकुर जी का भवन है। अच्छा, ये प्राचीन घर है, ये द्वापर युग का ही घर है। द्वापर युग क्या है, चैतन्य महाप्रभु जी ने इनका निर्माण किया। अच्छा, ये प्राचीन ठाकुर जी का घर है। अच्छा, हाँ, आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है। जी, अंदर आइए। जी जी। ये कान्हा जी का कमरा है। अच्छा अच्छा, इसमें कान्हा जी रहा करते थे। इसमें कान्हा जी रहा करते थे। ये यशोदा मैया, जैसे घर में फ्रिज रहता है, जी जी, फ्रिज में हम अपने सब सामान को रखते हैं, जी जी, ये यशोदा मैया जो घी मक्खन दूध दही आते थे, पहले हमारे यहाँ छतों पर छीका टांग के टांगते थे, जी जी, जो अभी आपको अंदर आओ। दोस्तों अभी आप भगवान श्री कृष्ण के कमरे के दर्शन कर रही है, वही प्राचीन रूम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में रहा करते थे, उनका कमरा है आप जिसके दर्शन कर पा रहे हैं। ये ऊपर में यशोदा मैया यहाँ मछलियों को टांगती थी। अच्छा अच्छा। और कान्हा जी यहाँ ग्वाल वालों को घोड़ा बना करके, अच्छा, चढ़ जाते थे, ऊपर मटकियों को फोड़ देते थे, ऊपर मटकी मैया टांग देती थी, इसके बाद जो अपने दोस्तों को घोड़ा बना करके, हाँ, उस पे चढ़ करके मटकी को उतार लेते थे, फोड़ लेते थे। जी जी। ये यशोदा मैया समझा रही है। अच्छा, लाला हमारे घर में बहुत घी दूध मक्खन होता है, अपने घर में तू कितनी भी चोरी कर, कितना भी खा, लेकिन तू गोपियों के घर में मत जा, क्योंकि गोपियां मुझको उड़ाना देने आती हैं, मुझको बहुत बुरा लगता है, शिकायत करने आती है। तो यशोदा मैया कान पकड़ के कान्हा जी जी, जी, जी।
दोस्तों इसी प्रकार से यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को समझाया करती थी, ये देखिए। और यही वो कमरा है द्वापर युग का प्राचीन कमरा, आप जिसके दर्शन कर पा रहे हैं, इसी में भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे दोस्तों। और यशोदा मैया दूध दही घी माखन की मटकी वहाँ टांग देती थी, लेकिन इसके बाद भी जो अपने वो मित्रों को यहाँ घोड़ा बना देते थे कुछ इस प्रकार से, और ऊपर चढ़ जाते थे और माखन जो है उतार लेते थे और फोड़ भी देते थे, कुछ इसी प्रकार की शरारतें किया करते थे। जी जी बिल्कुल। अब हम चाहेंगे कि फिर यशोदा मैया अच्छा उनको समझा रहे हैं। जी जी यहाँ बेटा, गोपियों के घर में माखन की चोरी करने की जरूरत, हमारे घर में 9 लाख गायों का नित नया दूध मक्खन घी होता है, श्यामा गऊ काली गऊ धौरी गऊ पीली गऊ, जिसका तुझको खाना है वो खा, लेकिन गोपियों को मत घर में माखन की चोरी कर। तो कान्हा जी समझा रही है, लेकिन फिर भी कन्हैया जी मानते नहीं, क्योंकि वो कहते थे मैया जब तक मैं गोपियों के घर में चोरी करने नहीं जाता हूँ, जब तक मुझको माखन की चोरी करने का आनंद नहीं आता, खाने का स्वाद नहीं मिलता है। जो गोपियों के घरों में जाके चोरी करके खाने का स्वाद है वो कहीं और नहीं मिलता। अब मैं आपको दिखाऊंगा, राधा जी की रसोई का दर्शन है और काल कोठरी का दर्शन है, जहाँ यशोदा मैया कान्हा जी को डराने के लिए कोठरी में बंद कर राधे राधे बोलो राधे राधे, और सबसे पहले दर्शन करेंगे कान्हा जी की गौ। अच्छा, कान्हा जी की गौ के लिए? हाँ, कृष्ण वंशज की गौ आज भी हमारे यहाँ चली आ रही है। अच्छा, श्यामा गौ। जी जी, जो मैं आपको अभी गौओं का दर्शन कराऊंगा, सब लोग बोलो एक बार राधे 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 राधे। बाबा ये तो बड़ा ही दिव्य दर्शन है, तो हम चाहेंगे जल्दी से आप उन गौ माता के दर्शन करवाएं जो भगवान श्री कृष्ण के समय काल के वंशज की है। ये जो श्यामा गौ है जी, ये कृष्ण काल वंशज से चली आ रही है हमारे। अच्छा, ये लाल वाली? लाल वाली। अच्छा अच्छा। हाँ, आज भी हमारे यहाँ इसका वंशज रहता ही है और चलता रहता है। अच्छा अच्छा। इन गौओं को राधे राधे बोलने से ये गौएं बोलती भी हैं राधे राधे। अच्छा, अच्छा। हाँ, जैसे आप राधे राधे बोलोगे तो ये बोलेंगे अम्मा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये ठाकुर जी की गौ। दोस्तों ये ठाकुर जी के समय काल की गौ है, ठाकुर जी की गाय है जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, श्यामा गाय, और बड़े दिव्य दर्शन हो पा रहे हैं दोस्तों। अब आपको मैं दिखाऊंगा राधा जी की रसोई है। अच्छा अच्छा। और काल कोठरी का बाबा, यहाँ की ये जो महल है इसकी प्राचीनता बड़ी दिव्य है। ये जो आप दोस्तों देख पा रहे हैं, ये वही प्राचीनता देखने को मिल रही है जो कि आज से ठीक 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग की प्राचीनता के दिव्य यहाँ दर्शन हो पा रहे हैं दोस्तों। और अभी हम चलते हैं आपको रसोई घर के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो रसोई बनती है जी जी, गैस सिलेंडरों पे और नहीं बनती है जी, यहाँ उपले कंडों पे ही ठाकुर जी की रसोई बनाई जाती है। अच्छा अच्छा। आज भी हमारे यहाँ प्राचीनता है कि जो भी रसोई ठाकुर जी के लिए भोग बनती है यहाँ उपले गाय के उपले कंडों पे ही बनाई जाती जी जी। अब मैं आपको दिखाऊंगा राधा जी की रसोई है। अच्छा, ये प्राचीन रसोई है, इनको बनाना चाहते थे लेकिन हमने बनाने नहीं दिया जी, क्योंकि भक्तों को दर्शन प्राचीनता की जरूरत है, महलों की जरूरत नहीं जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। महल सबके बने हुए हैं लेकिन ये प्राचीनता देखने के लिए भक्त आते हैं, इसीलिए ये प्राचीनता आज भी हमारे यहाँ विराजमान है। ये ठाकुर जी की रसोई का दर्शन। ये राधा कृष्ण का दर्शन है, ऊपर आज भी उसी समय की ये काली है। अच्छा, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये जब रसोई बनाती थी जैसे छत काली हो जाती थी जी जी, तो ये उसी समय चूल्हा जलता है तो उसके धुएं से काला पड़ जाता है जी जी। ये ठाकुर जी की रसोई है। अच्छा अच्छा। अंदर में जो मटके हैं प्राचीनता के हैं, ठाकुर जी के सब जी जी। ये रसोई है जी, यहाँ कान्हा जी राधा जी रसोई बना करके कान्हा जी के घर लेकर के आते हैं। अच्छा, मंदिर अच्छा। में जो मैंने दर्शन कराया जी, जी। वहाँ आज भी इसी रसोई से भोग। यशोदा मैया की भी रसोई कह सकते हैं? हाँ, यशोदा मैया की भी रसोई है, क्योंकि सबसे पहले तो यशोदा जी की थी पहले, लेकिन फिर अधिकार राधा जी का हो गया जी, राधा रसोई इसको बोले। अब आपको दिखाता हूँ काल कोठरी का दर्शन है ठाकुर जी का। यह दोस्तों काल कोठरी। बाबा इसे काल कोठरी क्यों बोलते हैं? इसको काल कोठरी बोलते हैं। यशोद जब कान्हा जी शिकायत करते थे, गोपियों के घर में जाते थे, माखन की चोरी करते थे जी जी, यशोदा वहां वहीं समझाती थी, अभी मैंने जो आपको दर्शन कराया जी जी, लेकिन कान्हा जी ने नहीं मानते थे तो इस कोठरी में ला करके बंद कर दे। अच्छा अच्छा। इसको काल कोठरी बोलते।
ये दोस्तों काल कोठरी, जब यशोदा मैया शरारतों से तंग आ जाती थी कान्हा के, तो यहीं पर उनको बंद कर देती थी, डराती थी, और इसी वजह से इसे काल कोठरी बोलते हैं दोस्तों। अब आपको ठाकुर जी की परिक्रमा का दर्शन करा, बाबा जी ये जरा इस गेट के दर्शन कराएं। ये ठाकुर जी का मुख्य द्वार है। अच्छा, ये बंद रहता है वैसे। अच्छा अच्छा, जब शिव जी दर्शन करने आए थे जी जी, तो उन्होंने यशोदा मैया ने अपने मेन, जो दर्शन मैंने अभी आपको कराया था जी जी, मेन द्वारों को लगा ली थी। अच्छा, दर्शन नहीं कराती थी भोले बाबा को। अच्छा अच्छा, लेकिन कान्हा जी को कोई यशोदा मैया को कोई काम करना पड़ता था, गुप्त द्वार से निकल करके चले। अच्छा 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 जी जी, ये ठाकुर जी की परिक्रमा है जी। यहाँ हमारे यहाँ गौओं का जो गोबर है जी, ये फेंका नहीं जाता है, ठाकुर जी के यहाँ उपले कंडे बनते हैं जी जी, यही बनाए जाते हैं, और इन्हीं से यहाँ ठाकुर जी का भोग प्रसाद यही वितरण बनाया जाता है। आओ आपको परिक्रमा। राधे 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 राधे, और आपने भगवान का दर्शन किया, ये ठाकुर जी के पूरे परिवार का दर्शन है, यही निज महल है नंद महल। यहाँ कान्हा जी 11 साल बामन दिन भगवान को लेके रहे, यही नंद महोत्सव मनाया, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल। कान्हा जी यहाँ 11 साल बामन दिन रहे, यहीं से सब लीलाएं किए। अभी आपको एक दर्शन करा देता हूँ ठाकुर जी के द्वार का, रास्ते का जो प्राचीन रास्ता है यहाँ से। ये ठाकुर जी का सीढ़ियों का द्वार है। अच्छा अच्छा, यहीं से कान्हा जी और भक्त लोग ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, उसको प्राचीन द्वार बोलते हैं। अच्छा अच्छा, सामने में एक लाल मंदिर दिख रहा है जी जी जी, वो लाल मंदिर, हाँ वो हमारे गांव का सबसे बड़ा तीर्थ है, नंद कुंड पावन सरोवर। अच्छा अच्छा, नंद बाबा जब गोकुल को छोड़ के आए थे ना जी जी, उसी सरोवर में कृष्ण बलराम को स्नान कराया। अच्छा अच्छा, नंद के आनंद भयो जो मैंने अभी आपको बताया जी, उसी सरोवर में कृष्ण बलराम को स्नान करा करके, उस सरोवर का नाम है नंद कुंड पावन सरोवर जी जी, यहाँ भगवान कृष्ण रहे हैं। थोड़ा इधर में आओ, यहाँ से दिखा देता, वो जो गांव दिख रहा है, हाँ वो गांव दूर, वो दूर आई पे बिल्कुल दूर एकदम दिख रहा है, हाँ वो भगवान का गेंद खेलने का गांव है, गेंदोखर गांव। अच्छा अच्छा, मारो टोल घुमाए उछट जमुना में पहुंची जाए, अच्छा। और श्री दामा गए और रिशाए मेरी, तो वही गेंद खेला, वहीं से भगवान ने गेंद का खेल खेला था। अच्छा, और वृंदावन में जाकर के काली देह को नापा था। अच्छा, आज भी भारत वर्ष में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भगवान का घर वृंदावन समझते हैं, जबकि वृंदावन भगवान का घर नहीं है, वृंदा बोलते हैं तुलसी को, तुलसी तुलसी का वन है वृंदावन वन। यहाँ से नित्य प्रतिदिन भगवान वृंदावन जाते थे और रासलीला करके लौट करके अपने घर नंदगांव आते थे। ये नंदगांव का इतिहास है। ठाकुर जी आपको बुलावे, ब्रज में जरूर आइए, ब्रज में आकर के सेवा करो, सब लोग बोलो राधे राधे राधे, राधे। दोस्तों अभी आपने यहाँ का संपूर्ण दर्शन किया पंडित जी के माध्यम से, और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, नंदगांव में नंद बाबा यशोदा मैया का दो घर था, एक तो ये है दोस्तों, ये प्राचीन है, ये पहला घर है, और इसके बाद उन्होंने एक और घर बनाया जो कि नंदीश्वर पर्वत के बिल्कुल शिखर पर है दोस्तों, यहाँ से ऊपर, उसके भी वीडियो चैनल पर अपलोड है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे।